नमस्कार, स्वागत है आपका संवाद 365 में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। टॉप 5 आप देख रहे हैं। टॉप 5 में बात करेंगे, हरिद्वार में दूसरा शाही स्नान हुआ। इस दूसरे शाही स्नान में करीब उम्मीद ये जताई जा रही कि 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे और उन्होंने वहां पर आस्था की डुबकी लगाई, लेकिन आस्था की डुबकी के बीच कोविड नियमों का भी वहां पर पालन नहीं किया गया, उस खबर पर भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कितने कोरोना वायरस के नए मामले सामने आए, उस पर भी आपको जानकारी देंगे। उत्तराखंड का सचिवालय जहां पर भी कोरोना का अटैक हुआ है और कुछ आईएएस अधिकारियों समेत अन्य अधिकारी भी कोरोना संक्रमित यहां पर पाए गए हैं, इस खबर पर भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा कोरोना के साए के बीच सरकार ने एक और गाइडलाइन जारी की है। उत्तराखंड में जो शादियां होंगी उनमें सिर्फ 200 लोगों की अनुमति होगी, उस खबर पर भी बात करेंगे। और उसके अलावा बात करेंगे उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की। उत्तराखंड के कई जंगल अभी भी जल रहे हैं लेकिन आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। सोमवार को एक और बुलेटिन वन विभाग की तरफ से जारी किया गया, कितना आंकड़ा है, कितने जंगल जले, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नजर सबसे पहले हेडलाइंस पर। कोरोना के साए के बीच हरिद्वार कुंभ में संपन्न हुआ दूसरा शाही स्नान। कोरोना प्रोटोकॉल की भी उड़ी धज्जियां, 30 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान। उत्तराखंड सचिवालय पर कोरोना वायरस का अटैक, 5 अधिकारी मिले कोरोना संक्रमित। सचिवालय संघ ने की 50% उपस्थिति की मांग। शादी समारोह में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 200 लोग, उत्तराखंड शासन ने जारी की गाइडलाइन। कोविड-19 के नियमों का करना होगा पालन। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान सामने आए कोरोना के 1334 नए मामले, 7 लोगों की मौत। देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा संक्रमण। सोमवार को उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की 100 घटनाएं आई सामने। 160 हेक्टेयर वन क्षेत्र में लगी है आग। तो चलिए अब बात सबसे पहले हरिद्वार कुंभ की। हरिद्वार कुंभ में कल सोमवती अमावस्या का स्नान हुआ। ये इस कुंभ का पहला शाही स्नान और कुंभ से पहले भी, क्योंकि एक और शाही स्नान हो गया था तो यानी कि उस हिसाब से दूसरा शाही स्नान था। इस शाही स्नान में उम्मीद ये जताई जा रही थी, आशंका ये जताई जा रही थी कि भारी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच सकते हैं। हुआ भी वही, 13 अखाड़ों ने शाही स्नान किया। 13 अखाड़ों के अलावा अलग अलग लोगों ने, श्रद्धालुओं ने, अलग अलग राज्यों से आए लोगों ने भी वहां पर शाही स्नान किया। सिर्फ हरिद्वार ही नहीं बल्कि ऋषिकेश में भी ये स्नान संपन्न हुआ। और मेला प्रशासन की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया, शाम तक मेला प्रशासन की तरफ से जो आंकड़ा दिया गया वो 30 लाख के पार पहुंच गया। कहीं कहीं पर इसे 35 लाख भी बताया गया है। यानी कि आप ये मोटा मोटा अनुमान लगाइए कि हरिद्वार में सोमवती अमावस्या के स्नान पर करीब 30 से और 35 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है। यह आंकड़ा सरकारी आंकड़ा है, मेला प्रशासन की तरफ से जारी किया गया आंकड़ा है। इस आंकड़े के मुताबिक अगर यहां पर 30 से 35 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं तो फिर आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि तस्वीरें भी हम कल दिन भर आपको दिखाते रहे हरिद्वार कुंभ की, तो उन तस्वीरों से भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण जिस गति से फैला है उस गति से क्या वहां पर नियमों का पालन किया गया होगा या नहीं। जाहिर सी बात है हरिद्वार के इस शाही स्नान में, सोमवती अमावस्या के स्नान में कोरोना प्रोटोकॉल की भी जमकर धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी। आपको हम बता दें कि कल वहां पर 13 अखाड़ों ने शाही स्नान किया। 13 अखाड़ों के जो संत हैं उन्होंने वहां पर शाही जुलूस निकाला। इस दौरान मेला प्रशासन की तरफ से, कुंभ प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से लगातार लोगों से अपील की जा रही थी। उससे पहले कई साधु संत इस बात का दावा भी कर रहे थे कि वो लोग सभी नियमों का पालन करेंगे, लेकिन असल मायनों में हरिद्वार में कई साधु संत, कई श्रद्धालु बिना मास्क के नजर आए। कई लोग 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे थे। जाहिर सी बात है जब 30 लाख की संख्या में श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे तो 2 गज की दूरी का पालन किस तरह से होगा। इसके अलावा भी कई ऐसे कोविड प्रोटोकॉल थे जिनका वहां पर पालन नहीं किया गया। जो आंकड़े प्रशासन की तरफ से दिए गए वो 30 से 35 लाख के बीच में हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, कल हरिद्वार में 400 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं। जांच बॉर्डर पर लगातार की जा रही थी। बॉर्डर पर होने वाली जांच में जो लोग संक्रमित पाए गए उनको वहीं से वापस लौटा दिया गया। जो जानकारी मेला प्रशासन की तरफ से दी गई उसके मुताबिक 2758 लोग जो बिना कोविड टेस्ट के हरिद्वार जा रहे थे उन यात्रियों को वहां से वापस लौटाया गया। 1774 ही रजिस्ट्रेशन करवा करके दूसरे शाही स्नान में पहुंचे थे। यानी कि रजिस्ट्रेशन करके जो लोग पहुंचे उनकी संख्या 1774 थी और अंत में जो आंकड़ा सामने आया 30 से 35 लाख के बीच में था। इसके अलावा हरिद्वार में कई साधु संत भी कोरोना संक्रमित हैं। शाही स्नान से पहले ही जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है उसके अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी वो कोरोना संक्रमित पाए गए थे। उसके अलावा 15 और संत हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है। 2 लाख जांच
पिछले 5 दिनों में करीब 2 लाख सैंपलिंग वहां पर की गई, इनमें आरटीपीसीआर में 1599 और एंटीजन में 198 नए मरीज मिले हैं। यानी कि पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिनों में हरिद्वार में 1797 कोरोना के संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये आशंका पहले से जताई जा रही थी और अब क्योंकि सोमवती अमावस्या का स्नान वहां पर हो गया है, आने वाले कुछ दिनों में और शाही स्नान वहां पर होने हैं, ऐसे में तेजी के साथ जो आंकड़ा बढ़ा है उससे चिंता भी बढ़ रही है और नियमों का जो पालन वहां पर नहीं हुआ है उससे भी वाकई में चिंता बढ़नी जरूरी है। तो चलिए अब बात कोरोना वायरस के सरकारी अटैक की। उत्तराखंड सचिवालय पर भी कोरोना वायरस का अटैक हुआ है। उत्तराखंड सचिवालय के 4 नौकरशाहों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। आपको हम बता दें इनमें एक अपर मुख्य सचिव हैं, एक प्रमुख सचिव हैं, एक सचिव और एक अपर सचिव शामिल हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब सचिवालय में जो बाहरी लोग हैं उनके प्रवेश पर रोक लगा दी गई है और सचिवालय जो कर्मचारी हैं उनकी मांग ये है कि 50% उपस्थिति ही सचिवालय में रखी जाए। आपको हम बता दें कि जो भी अधिकारी वहां पर संक्रमित पाए गए हैं उनके संपर्क में जो लोग आए हैं उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है और उनको ये सलाह भी दी गई है कि वो लोग भी खुद का टेस्ट करवा लें और आइसोलेट हो जाएं, क्योंकि तेजी के साथ कोरोना संक्रमण फैला है। अब सचिवालय में भी, क्योंकि इससे पहले कई संस्थान हैं जैसे IIT है, ONGC है, इन जगहों पर बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के मामले तेजी के साथ सामने आए थे, अब इस लिस्ट में सचिवालय भी जुड़ गया है। सचिवालय में जो कोरोना संक्रमण के मामले सामने आए हैं उनमें अगर हम बात करें कौन कौन नौकरशाह हैं जिनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, अपर मुख्य सचिव मनीषा पवार, प्रमुख सचिव वन आनंद वर्धन, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर और अपर सचिव SS वालदिया, इनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और सचिवालय संघ ने अब ये मांग की है कि 50% हाजिरी सचिवालय में लागू की जाए, यानी कि सिर्फ आधे स्टाफ के साथ वहां पर काम किया जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलने का भी समय मांगा है और मुख्यमंत्री से जब वो मिलेंगे तो ये मांग वो सामने रखेंगे। यानी कि जो संस्थान है उन संस्थानों में कोरोना संक्रमण फैल रहा है और उस लिस्ट में अब उत्तराखंड सचिवालय भी शामिल हो गया है। इससे पहले कई और संस्थान थे जहां पर तेजी के साथ कोरोना संक्रमण के मामले देखने को मिले थे। तो चलिए अब अगली खबर भी कोरोना वायरस से जुड़ी हुई ही, क्योंकि कोरोना संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है और इस कोरोना संक्रमण को देखते हुए सरकार ने, उत्तराखंड शासन ने एक और फैसला लिया है। यह फैसला शादियों को लेकर, क्योंकि अब शादियों का सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन को देखते हुए उत्तराखंड शासन ने एक और गाइडलाइन जारी की है। इस गाइडलाइन के मुताबिक शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या को अब लिमिटेड कर दिया गया है। शादी समारोह में सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो पाएंगे। ये गाइडलाइन मुख्य सचिव की ओर से जारी की गई है। जो कंटेनमेंट जोन है, कंटेनमेंट जोन से बाहर जो शादियां होंगी उनमें अब अधिकतम सिर्फ 200 लोग ही शामिल हो सकेंगे, इसकी सीमा को निर्धारित कर दिया गया है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की ओर से इस संबंध में सभी जो जिलाधिकारी हैं, जिलों के जिलाधिकारी हैं, उनको ये आदेश जारी कर दिए गए हैं। तो शादी समारोह में जो 200 लोग शामिल होंगे उसमें यह भी कहा गया है कि जो भी लोग शादी समारोह में शामिल होगा उसे COVID-19 के नियमों का पालन करना होगा, यानी कि मास्क पहनना होगा और 2 गज की दूरी का पालन उसे करना होगा। इससे पहले, क्योंकि पिछले साल जब इस तरह की स्थितियां बनी हुई थी तो पिछले साल अक्टूबर तक जो शादियों में शामिल होने वाले लोगों की संख्या थी वो सिर्फ 100 थी। इस बार, अब क्योंकि एक बार फिर से संक्रमण तेजी के साथ फैला है तो उसको सतर्कता को देखते हुए शादी समारोह में जो मेहमानों की संख्या है, शामिल होने वाले लोगों की संख्या है, उसको निश्चित कर दिया गया और ये संख्या अब 200 हो गई है। तो अब यानी कि शादियों में आपको जो मेहमान हैं वो लिमिटेड नजर आएंगे। हालांकि दूसरी तरफ हरिद्वार कुंभ में शासन का आंकड़ा है कि 30 से 35 लाख लोग पहुंचे हैं, लेकिन अब शादियों में जो संख्या लिमिटेड कर दी गई है उससे कई लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। अब पिछले 24 घंटे का अपडेट आपको दे देते हैं कोरोना वायरस का। उत्तराखंड में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटों में 1334 नए मामले सामने आए हैं। 1334 मामलों के साथ साथ 7 संक्रमित लोगों की मौत भी उत्तराखंड में हो गई है। पिछले कई दिनों से जो आंकड़े बढ़ रहे हैं वो हजार की संख्या में बढ़ रहे हैं और ये आंकड़ा अब एक बार फिर से सामने आया है 1334। इससे पहले दिन 1333 थे और अब 1334 मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं। अब उत्तराखंड में कुल मरीजों की संख्या 1,10,000 से भी ज़्यादा हो गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 1,767 हो चुका है। सोमवार की अगर देहरादून की बात करें तो सबसे ज्यादा मामले फिर से देहरादून और हरिद्वार से ही सामने आए। देहरादून में 554 केस सामने आए, हरिद्वार में 408 केस सामने आए, नैनीताल में 114, अल्मोड़ा में 7, बागेश्वर में 3, चंबोली में 7, चंपावत में 7, पौड़ी में 70, रुद्रप्रयाग में 9, पिथौरागढ़ में 3, टिहरी में 56 और उधम सिंह नगर में
90 केस सामने आए, जबकि उत्तरकाशी में 7 मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके अलावा एम्स में 3 और मैक्स में 1 और महंत इंद्रेश में 3 मरीजों की मौत हुई है। अलग अलग जगहों पर 605 मरीजों का इलाज हुआ है और उन्हें घर भेज दिया गया है, यानी कि 605 रिकवरी पिछले 24 घंटों में हुई है। जो रिकवरी का रेट है वो गिर रहा है और संक्रमण का रेट भी तेजी के साथ बढ़ रहा है। उत्तराखंड में ये स्थिति है। सचिवालय में क्या संक्रमण फैला है उसके बारे में हम आपको बता ही चुके हैं। तो सबसे ज्यादा स्थिति की अगर हम बात करें तो देहरादून में खराब है, जहां पर पिछले 24 घंटों में यानी कि सोमवार के दिन 554 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। और इन 554 नए संक्रमित मरीजों के मिलने के बाद चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। नाइट कर्फ्यू देहरादून में लगा हुआ ही है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्टिव केस की, तो 7,846 एक्टिव केस उत्तराखंड में अब हो चुके हैं। अब बात उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग की। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी है, यह आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव देखने को मिला था, कुछ जगहों पर बूंदाबांदी हुई थी, बारिश हुई थी। उम्मीद यह जताई जा रही थी कि इस बारिश के चलते राहत मिलेगी, जो आग है वो बुझेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सोमवार को वन विभाग की तरफ से एक और बुलेटिन जारी किया गया। इस बुलेटिन में यह कहा गया है कि सोमवार को पूरे प्रदेश में आग लगने की 100 घटनाएं सामने आए हैं और करीब 160 हेक्टेयर जो वन क्षेत्र है, 160 हेक्टेयर का जो जंगल है वो प्रभावित हुआ है। वन विभाग के मुताबिक गढ़वाल मंडल में कुमाऊं मंडल की अपेक्षा आग की 3 गुना ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं, यानी कि गढ़वाल मंडल में आग ज्यादा लगी है। पूरे प्रदेश में एक दिन में 160 हेक्टेयर जंगल आग से प्रभावित हुआ है। आपको ये बता दें कि आरक्षित जो वन है उसमें एक बार फिर से सिविल और वन पंचायत के जंगलों की तुलना में आग के ज्यादा मामले सामने आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें 12 दिनों में 1,100 हेक्टेयर वन क्षेत्र, यानी कि 1,100 हेक्टेयर से ज्यादा वन क्षेत्र जो है वो आग से, जंगल की आग से प्रभावित हुआ है। और यह भी कहा गया है कि अगर आवश्यकता पड़ती है तो हेलीकॉप्टरों का प्रयोग एक बार फिर से किया जाएगा। इससे पहले भी हेलीकॉप्टरों का प्रयोग आग बुझाने के लिए किया गया था, लेकिन वो प्रयोग ज्यादा कारगर साबित नहीं हो पाया। जंगलों की आग जस की तस रही, मौसम के ऊपर काफी हद तक निर्भर थे, लेकिन मौसम का भी कुछ ज़्यादा असर जंगलों की आग पर देखने को नहीं मिला। और पिछले 24 घंटों में यानी कि सोमवार के दिन 160 हेक्टेयर वन क्षेत्र एक बार फिर से प्रभावित हुआ है। पिछले 12 दिनों में 1,100 हेक्टेयर का वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह से और कैसे जंगलों की आग बुझेगी, क्योंकि न सिर्फ वन संपदा बल्कि जंगली जानवरों को भी इससे नुकसान पहुंच रहा है। तो ये थी अभी तक की टॉप 5 खबरें। इन खबरों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय दीजिए, अपने कमेंट कीजिए। और अगर आप हमें YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाइए। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए संवाद 365 के साथ। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।